हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कोबर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि IUAC यानी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर का सेंटर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो कि अंडर UGC में आता है, वहां से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर यानी IUAC वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जिसे हिंदी में अंतर विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र भी कहते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर होम सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर IUAC इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द वेरियस साइंसेस कोर्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है। 5 पेज की ये फाइल है, जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में दी गई हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी है। पोस्ट है साइंटिस्ट सी के लिए, ग्रुप ए की वैकेंसी है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसी है। OBC के लिए 3 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए भी 2 है, EWS के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो MSc मांगा गया है फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, लाइफ साइंसेस में, या अगर आप बायोटेक्नोलॉजी हैं जो कि रेडियंट बायोलॉजी के लिए मांगा गया है, या अगर आप MSc हैं जियोलॉजी में या जियो फिजिक्स में, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही इन्होंने भी कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी मांगा है, मींस कि 10th क्लास से लेकर के आपके MSc तक जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपका इंजीनियर सी के लिए, ग्रुप ए की वैकेंसी है। यहाँ पर सिविल ब्रांच में 1 है, इलेक्ट्रिकल में भी 1 है, मैकेनिकल में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 3 है। जबकि अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व में 3 है, OBC में 2 है, AWS में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 7 है। इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, BTEC मांगा गया है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में, जो कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। साथ ही डिजायरेबल में यहाँ दिया गया है प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, एंड दोनों पोस्ट के लिए सैलरी एज लेवल सेम है। मैक्सिमम 26 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा, एंड सैलरी लेवल 10 है, जो कि 56,100 से लेकर 177,500 है। साथ में सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जो कि अंडर UGC में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए, ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 1 है, मैकेनिकल में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 है। इसकी वैकेंसी में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है, डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही यहाँ पर डिजायरेबल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में, जो कि R&D इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगी। सैलरी लेवल 6 है, जो कि 35,400 से लेकर 112,400 प्लस अलाउंसेस हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 मार्च 2022 है। एंड अप्लाई फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, अगर आप साइंटिस्ट इंजीनियर सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 फीस है, एंड जूनियर इंजीनियर के लिए 500 फीस है, जबकि SC PWD के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं है। एंड अप्लाई मोड ऑनलाइन है।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी सामान्य डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, इंटरफेस ओपन हो गया है। एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस पर है। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन चुन सकते हैं। एंड नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस देना है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर फिल करके एक्सपीरियंस को फिल करना है। देन रेफरेंसेस भी यहाँ पर दिया गया है, कुछ रेफरेंसेस आपको देनी है यहाँ पे। एंड सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का लिंक भी दिया गया है, इस पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके सीक्वेंस यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी पीडीएफ फाइल बना करके आपको यहाँ पर ये यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड करना है। देन डिक्लेरेशन करने के बाद, आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आइए देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बताया है कि आइए देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म कर सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। देन उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहां पर ओनली स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हैं सब यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को ही ओनली सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल